प्रवश्य मम वाच मं प्रसुप्ताजीवयिलक्तिधरस्वधाना अन्या हस्तचरणश्रवणीं प्राणान नमो भगवते तुभ्यम प्रिय शिक्षार्थियों एन के स्टूडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है मैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग से डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र आप सबके बीच पुनः उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक क्रमांक दो सप्तश पाठ हिरण्यगर्भ सूक्तम के भाग चार के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ इसमें हम हिरण्यगर्भ सूक्त के भाग चार का अध्ययन करेंगे जिसमें हिरण्यगर्भ सूक्त के सार का प्रतिपादन किया गया है वेदेश बहुषु दार्शनिक सूक्तेषु इदम अन्यतम वेदों में विविध दार्शनिक सूक्तों का प्रतिपादन प्राप्त होता है जिसमें से यह भी एक विशिष्ट दार्शनिक सूक्त है सूक्तम इदम पूरा लब्ध प्रतिष्ठा आर्यगण से च दार्शनिक यह विशिष्ट हिरण्यनगर वसूक्त समाज का और आर्यकालीन आर्य लोगों के लिए अत्यंत दार्शनिक है और उनके दार्शनिक चिंतनधारा के प्रवाह के विषय में प्रामाणिकता को प्राप्त करता है मनीषादीप तैयारी ऋषिभ गभीराध्यन जगत सृष्टे रहस्यम अवगतम जैसा कि कहा गया कि ऋषय मंत्रदृष्टारा सन ऐसे मंत्रसाक्षात्कृत ऋषियों के द्वारा अत्यंत गभीर अध्ययन से इस जगत के सृष्टि का रहस्य ज्ञान किया गया तदेव वेदे हिण्यगर्भादि रूपेण प्रकटित उन्हीं सृष्टि के उत्पादन का रहस्य जो कि महर्षियों को दिव्यज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ वेदों में वही हिरण्यगर्भाधि के रूप में प्रकटित है हिण्यगर्भा प्रजापति क शधेय जैसा कि हमने इनके मंत्रों में हिरण्यगर्भसूत के मंत्रों में कस्मी देवाय इत्यादि चर्चा पढ़ा तो वह हिरण्यगर्भ प्रजापति ही क से अभिधेय है संसार वेलायाम सर्वाद परमात्मा रूपेण आविर्भूता यहाँ संसार की सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम स्वयं प्रजापति परब्रह्म ही हिरण्यगर्भ के रूप में आदि सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए तस्मा संप्रति अस्य विश्वस्य एव सै स्वामी इसलिए यह संपूर्ण संप्रदाय का संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का यह एकमात्र स्वामी कहलाते हैं परमात्म सर्व उत्पद्यन्ते तस्मा आत्मनाम दाता बल से चाता परमात्मा प्रजापति क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि होती है अतः सृष्टि को करने वाला सृष्टि में जीवों को बल देने वाला वह एकमात्र प्रजापति जो कि हिरण्यगर्भ के स्वरूप में है वही पर ब्रह्म परमेश्वर है जगति सर्वे प्राणि तारीिण साणिजात से ईश्वर क्योंकि वह सभी सृष्टि को उत्पन्न करता है इसीलिए संपूर्ण संसार में जो भी प्राणी हैं वो उसके आज्ञा पालक हैं और सभी प्राणियों का वही एकमात्र ईश्वर या स्वामी या राजा है तस महात्म्यम हिमालयादि निखिल पर्वता महाभाग्यंच नदी सागरादय वह रूप सृष्टि के आदि रूप में जो हिरण्यगर्भ के रूप में प्रजापति सृष्ट हुए जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उन्हीं के महिमास्वरूप ये हिमालय इत्यादि पर्वते हैं और उन्हीं के ऐश्वर्य के कारण वही नदी सागर इत्यादि में सर्वतः व्याप्त हैं अस्य प्रकांडस्य सृष्टि सृष्टितत्व से मूलभूत सुमहान ईश्वर अस्ति इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का मूलभूत वह प्रजापति परमेश्वर और सब में व्याप्त होने वाला अत्यंत महिमा संपन्न ईश्वर वह प्रजापति है सह कदाचित विराट पुरुष रूपेण, कदाचित हिरण्यगर्भ रूपेण, हिण्यगर्भरूपेण प्रजापतिपेण ब्रह्म रूपेण विराजते वह हम सबके मध्य कभी विराट पुरुष के द्वारा स्तुत्व होता कभी हिरण्यगर्भ के द्वारा अस्तुत्य होता कभी प्रजापति के द्वारा अस्तुत्य होता और कभी परब्रह्म के रूप में हम उनकी स्तुति करते हैं इन विभिन्न रूपों में वे हम सब में व्याप्त रहते हैं स भूमि सृष्टा स सर्वलोकजनिता सत्यधर्मा स चंद्रोदान भी उत्पादक प्रजापति वह प्रजापति ही संपूर्ण भूलोक के सृष्टा हैं वह संपूर्ण न केवल भूलोक अभी तो लोक के जनिता हैं सत्यधर्मा हैं सत्य है, धारण करने वाले हैं और चंद्र उदक इत्यादियों के भी उत्पादक वह प्रजापति पर ब्रह्म है। विश्वानि हैं भूतजातानि तस्मात् भूतजाता तस्मा न कि न्याति एतानि ऐंत परिगृह्य शक्नोति। विश्व के संपूर्ण प्राणिजात विश्व में उत्पन्न सभी सृष्टि उसमें व्याप्त नहीं हो पाती है अतएव वही संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के सभी सृष्टियों का ग्रहण करके सृष्टि करने में समर्थ होते हैं जगत सृष्टि कामयान परमात्मा प्रपंचोत्पत्ते रूपेण समयत जगत सृष्टि की कामना से परमात्मा प्रपंचोत्पत्ति के प्राक अर्थात सृष्टिक्रिया के प्राक हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुए परमात्मा हिण्यगर्भा तथापि उपाधिभूता वियदादि सूक्ष्म भूतानाम उत्पत्ति ही परमात्मा ही जो सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुए वह परमात्मा ही हिरण्यगर्भ हैं फिर भी विभिन्न भेद से उपाधियों के मध्य आ, अनेक सूक्ष्म प्राणियों के मध्य में वह उत्पन्न होते हैं अर्थात वह हिरण्यगर्भ रूप में उत्पन्न होते हुए भी विविध सृष्टि तत्वों में उनकी व्याप्ति विद्यमान रहती है तस्मात् तदुपहित उत्पन्नः उत्पन्नुच्य इसीलिए कहा जाता कि मूल परब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि उसके उपहित स्वरूप में उत्पन्न होता है एवं हिण्यगर्भा हा, अद्वितीय सन् सर्वस्य जगत ईश्वर दिव भूमिच धारयती कहा इस प्रकार अद्वितीय होता हुआ वह संपूर्ण जगत का ईश्वर और संपूर्ण जगत के ईश्वर होने के साथ वह द्विरोक और लोक को भी धारण करते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम इति गीतोक्ति अत्र प्रासंगिक वह माया का अध्यक्ष होता हुआ मायावियों में मुख्य होते हुए संपूर्ण प्रकृति की सृष्टि वह करते हैं संपूर्ण चराचर जगत उनकी ही सृष्टि है ऐसा गीता में कहा गया उक्ति यहाँ प्रासंगिक रूप से प्राप्त होती है परमात्म सर्व उत्पजते तस्मा हिण्यगर्व आत्म दाता किंच दाता स एव सूंकि कहा गया कि परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत् उत्पन्न होता अतः वह ही के दाता और बल के दाता हैं वेदादिभूत जात जनयन्त आपा प्रजापतिम धारय विश्व व्याप्नुवन तस्मात् स समस्त प्राणिनाम प्राणभूतः वियदादि उत्पन्न हुए जितने भी सृष्टि हैं उनको सृष्टि करने के लिए वह जल प्रजापति को धारण करता हुआ संपूर्ण विश्व में व्याप्त होता है अतः सएव समस्त प्राणिनाम प्राणभूत इसीलिए वह जल ही समस्त प्राणियों का प्राणभूत कहा गया क्योंकि संपूर्ण संसार संपूर्ण सृष्टि सृष्टि के प्राक जलमय व्याप्त रही विकार जाता जनयत्री तदर्थ दक्ष प्रजापति आत्मनिधारय प्रलयकाली प्रथमा अप स्वम्य प्रजापति दृष्टवान दृष्टवा सै देवानामपि अद्वितीयः ईश्वर सृष्टि के विकारों को सृष्टि के स्वरूपों को उत्पन्न करती हुई उत्पन्न करने के लिए वह प्रजापति को स्वयं अपने अंत में धारण करती हुई प्रलय काल के पूर्व प्रथम वह जल अपने महिमा से संपूर्ण प्रजापति को संपूर्ण रूप से चारों तरफ से देखा वह ही देवानाम अद्वितीय नाम वह जल ही सभी देवताओं में अद्वितीय ईश्वर जो साक्षात हिरण्यगर्भ के रूप में है जिसने प्रजापति को संपूर्ण रूप से दृष्टि किया वह देवताओं का भी अद्वितीय ईश्वर प्राप्त होता है सृष्टिवर्णन कारिणी अत्र, प्राससंगिक सुतरा सी सृष्टि विषयक कुछ गीता के वचन यहाँ निश्चित रूप से प्रसंगवश प्राप्त होते हैं जिनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है गीता में सृष्टि विषयक चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं अन्नाभवता परजनियादन संभव यज्ञाभव पर्जन्यज्ञ पुनः कर्मब्रह्मोद्दव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्दव तस्मा सर्वगत ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठित इस प्रकार अस्मिन् अस्ते हिरण्यगर्भ सेवधगुणा वर्णिता सी इस इस संपूर्ण सूक्त में प्रजापति हिरण्यगर्भ के विविध गुणों का वर्णन किया गया है किंच प्रशंसा कुरता उच्यते अन्यं कम अन्विषा पूजयेम क्योंकि उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया कि ऐसे संपूर्ण जगत के सृष्टिकारक संपूर्ण जगत को धारण करने वाले सबके ईश्वर उस प्रजापति को छोड़कर उन प्रजापति के अतिरिक्त हम किनकी पूजा करें अर्थात हम सभी उस परब्रह्म प्रजापति की ही हविरादि प्रदान के द्वारा आराधना करें प्रथमोत्पन्ने सति समग्र जगत स्वामी समभूत भूत समग्र सम्रदुलोक पृथ्वी च दधार वह उत्पन्न होता हुआ ही संपूर्ण जगत का स्वामी बना और संपूर्ण द्व्युल और पृथ्वीलोक को वह धारण किया है सब प्राणदाता बलदाता यस्य आदेश सर्वदेवता भी पाल्यते यस्य छाया जन्म मृत्यु सदृशा कहा वह प्रजापति पर ब्रह्म ही प्राणदाता है बलदाता है जिसके आदेश सभी देवताओं के द्वारा स्वीकृत होते हैं पालन किए जाते हैं जिसकी जन्म और मृत्यु जिनके छाया के समान है ऐसा प्रजापति ही हम सभी के द्वारा वंदनीय है पूजनीय है हविरादि के द्वारा हम सभी उसकी आराधना करते हैं यस महिमना हिमवंत पर्वता स्थिता नद्या सागराश्च उत्पन्ना जिसकी महिमा से जिसके महिमावान हिमवान पर्वत इत्यादि स्थित हैं नदी सागर जिसके महिमा से उत्पन्न होते हैं यम आधारीकृत्य सूर्य उदि होती रक्षा समय यम सर्वे रक्षणाय पश्यन्ति जिसको आधार करके सूर्य उदित होते हैं और रक्षा जीव लोग के रक्षा के समय रक्षा के लिए जिस प्रजापति को सब देखते हैं यह देवता नाम एक एव स्वामी स हिरण्यगर्भा प्रजापति परमेश्वर एव जो न केवल जातों का भी समस्त देवताओं का भी एकमात्र स्वामी है वह हिरणनगर व प्रजापति परमेश्वर ही है परमेश्वर की आराधना ही हम सबको करनी चाहिए धन्यवाद